कष्टों में ही जीवन गुजरता है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है 15-20 साल का, तो कई बार तो ऐसा होता है कि बुरी संगत में पड़ जाता है और बुरी संगत में पड़ करके अपने जीवन को खराब कर लेता है, नशे आदि की लत लग जाती है। जब और थोड़ा बड़ा होता है 20, एक नाम सहारा है तुम उसको सदा जपना। ये मनुष्य जीवन एक सपने के समान है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक भगवान नाम ही मनुष्य का सहारा है, जो मनुष्य को हमेशा साथ देता है। तो भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ कर बताई गई है। ये जीवन नश्वर है, जीवन क्या ये संसार ही नाशवान है, जिस जो भी हमें दिखता है वो सब नश्वर है, सबका अंत है। तो इस नाशवान संसार का एक पल का भी पता नहीं है, मनुष्य जीवन भी नाशवान है, एक पल का भी पता नहीं है। आपने जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि किसी व्यक्ति से आप 5 मिनट पहले मिले हो और 5 मिनट के बाद में उसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो कि भाई वो तो छोड़ करके संसार को चले गया। ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं न जाने जीवन में कितनी सुनाई पड़ती है, कितनी देखते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन का एक पल का भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए ऐसे अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए ऐसे अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे राम लखन सिया वन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे राम लखन सिया वन को गए। हम और आप सभी स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप सिंह जी को अंतिम विदाई देने के लिए यहां इस पांडाल के भीतर इकट्ठे हुए हैं। सोचने की बात है कि भाई जो इस संसार को छोड़कर चले गया उसको क्या दे सकते हैं हम, लेकिन प्रभु प्रेम एक परमात्मा का सुमरण है जो जीव को मरने के बाद भी प्राप्त होता है। तो हम और आप सभी आए हुए हैं, सभी अब अपने मुख से भगवान नाम उच्चारण करेंगे और परमपिता परमेश्वर को विनती करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को जो दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सभी अपने मुख से भगवान नाम उच्चारण करें। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री
हे राम जय जय राम। इस पांडाल के भीतर जो भी भगवान नाम उच्चारण हुआ है उस नाम का फल स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप सिंह जी के खाते में जमा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जाने के बाद जो उनके परिवार को दुखों का पहाड़ टूटा है उस दुख को सहन करने की भगवान शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और परिवार वालों की तरफ से सभी से अनुरोध है कि भोजन तैयार है। इस मंत्र के द्वारा हम परमपिता परमात्मा से सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जितने मेरे अंदर अवगुण है उनको दूर करना और जितने अच्छे गुण है हे परमपिता परमात्मा वो मेरे अंदर पैदा करना। जिंदगी का सही मायनों में मतलब तो यही होता है कि जितनी भी कोई बुरी चीजें हमारे अंदर हैं, वो दूर हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग जो कि इस मौके के ऊपर आए उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे बीच बहुत प्रोमिनेंट लोग जो हैं इलाके के यहाँ पे आए हुए हैं, विजेंद्र बेरी जी जो कि हमारे आने वाले चंद दिनों तक जो है MLA बन के आ रहे हैं, शीतल विज जी आए हैं और जो कि हमेशा धर्म कर्म के काम में और हमेशा अच्छे कामों में लगे रहते हैं और मैंने देखा है कि इन्होंने अच्छे संस्कार अपने बेटे के अंदर भी दिए हैं। वो कहते हैं कि धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। ऐसे ही कुलदीप जी ने भी अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और भी बड़े प्रोमिनेंट राणा जी हैं और सुरेंद्र पप्पा जी हैं, अरोड़ा साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नागरिक जो है अनूप जी हैं और वरिष्ठ नागरिक जो कि इस मौके के ऊपर आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद भी करता हूं। और इसके साथ ही मैं शीतल विज जी से तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सभी लोग जो है वो प्रसाद के रूप में यहां पे कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, खाना खा करके जाएं। और ये जो प्रार्थना सभा होती है, ये जो हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं, इसका एक ही मकसद होता है कि हम सब मिल करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में सब लोग शामिल। सभी के साथ कुछ छोड़ करके भगवान के चरणों में लीन हो गए हैं। उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी लेकिन मृत्यु कभी भी उम्र नहीं देखती है। इस जीवन का पता नहीं है कब क्या हो जाए और इस संसार को आवागमन का चक्र बताया गया है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस संसार को आवागमन का चक्र बताया गया है।
जीव जब माँ के गर्भ में होता है जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो उसकी बड़ी दिव्य दृष्टि होती है, अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है और भगवान से विनती करता है कि हे भगवान मुझे इस नरक रूपी गड्ढे से निकाल। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सब ऐसे ही कह के जाते हैं लेकिन जब बाहर चले जाते हैं तो मुझे कोई याद नहीं। मैं तुझे इस गर्भ से बाहर निकाल देता हूँ लेकिन मुझे इस बात का प्रमाण चाहिए, कोई गवाही चाहिए कि तू बाहर जाके मेरी भक्ति करेगा। केवल जल देवता जिसे हम स्नान करते हैं ना, जल देवता से जल ने भगवान को उस जीव की उस बच्चे की गवाही दी। गर्भ की बातों को भूल गया और जैसे ही बाहर निकला यहाँ पर तो विष्णु भगवान की माया ने उसको घेर लिया और अनेक नाते रिश्ते बन गए। किसी ने कहा कि मोहमाया के जाल ने उस जीव को घेर लिया, गर्भ में जो उसके विचार थे जो उच्च विचार थे उन सबको भूल गया। प्रभु प्रेमियों यहाँ पर चार स्थान ऐसे हैं जिन पर मनुष्य के विचार उच्च होते हैं, दिव्य दृष्टि होती है। पहला स्थान है माँ का गर्भ। माँ के गर्भ में जब जीव होता है तो भगवान की भक्ति करता है और वो बार बार यही विनती करता है कि भगवान अपने पिछले 100 जन्मों का याद भी रहता है, विचार बहुत अच्छे रहे। तीसरा है रोग में, मनुष्य को कर्म के बस कोई भी भयानक बीमारी लग जाती है तो भयानक बीमारी में भी वो पश्चाताप करता है, अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करता है और भगवान को ये सुमरण भी करता है। तो भयानक बीमारी में भी बहुत अच्छे विचार होते हैं। चौथा है पुराण में, कहीं भी मनुष्य सत्संग में या पुराण में बैठा हो, जब तक बैठा है तब तक उसके विचार बहुत अच्छे हैं। तो इन चार स्थानों पर जब तक जीव रहता है तब तक विचार बहुत अच्छे रहते हैं और दिव्य दृष्टि होती है। लेकिन इन चार स्थानों से जैसे ही जीव हटता है तो वो ही मोहमाया के जाल, वो ही सांसारिक बातों में पड़ जाता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में है तब तक विचार बहुत अच्छे, जैसे ही गर्भ से बाहर आया मोहमाया के जाल ने घेर लिया। जब तक लोग शमशान में हैं तब तक सभी के अच्छे विचार, लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर आए वो ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे ही जब तक मनुष्य बीमारी से ग्रस्त है तो भगवान को याद करता है, जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वो ही अपने बुरे कर्मों में लग जाता है, परमात्मा को छोड़ देता है। ऐसे ही सत्संग या पुराण में मनुष्य जब तक बैठा है तब तक जीव के बहुत अच्छे विचार रहते हैं, जब जैसे ही वो सत्संग और पुराण को छोड़कर के बाहर जाता है तो वो ही सांसारिक बातों में पड़ जाता है। तो ये जो जीवन है एक तरह से मोहमाया का जाल है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जीव जब 10वें महीने में प्रसूति की वायु के द्वारा गर्भ से बाहर आ गया, गर्भ में तो दुख भोगे भाई, माँ का गर्भ अनेक प्रकार के कष्टों से भरा है, मलमूत्र विष्ठा आदि भरा है, अनेक छोटे छोटे कीट उसको काटते रहते हैं, तो वो उन सब कष्टों को वो सहन करता रहता है माँ के गर्भ में। जब गर्भ से बाहर आया तो रोने लगा कि अरे मैं कहाँ आ गया, गर्भ में तो मेरे बहुत अच्छे विचार थे, मैं भगवान की भक्ति भी करता लेकिन यहां तो इस संसार सागर में आकर के। जब वो गर्भ का बच्चा थोड़ा 2.5 साल का तो उसको पढ़ने स्कूल में डाल दिया जाता है। जीवन के बारे में आपको बता रहा हूं कि जीवन में देखो सुख कहीं भी नहीं है, तो 2.5 साल के बच्चे को ही सब कष्टों में ही जीवन गुजरता है। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है 15-20 साल का, तो कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी संगत में पड़ जाता है,
और बुरी संगत में पड़कर के अपने जीवन को खराब कर लेता है, नशे आदि की लत लग जाती है। जब और थोड़ा बड़ा होता है 20-25 साल का, तो शादी योग हो जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद में गृहस्थ के लिए गधे की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे प्रभु प्रेमियों, मैं आपको बताता हूं कि कलयुग में मनुष्य की जो आयु है वो 100 साल है। 100 साल में से 25 साल की आयु मनुष्य की खुद की है, 75 साल की आयु दूसरों ने दी है। 25 साल गधे ने दिए, गधे ने कहा कि भाई ठीक है मैं 25 साल कम जी लूंगा, लेकिन आप लो। 25 साल उल्लू ने दिए और 25 साल कुत्ते ने दिए। तो जैसे जैसे जीव की आयु बढ़ती है, 100 साल तक पहुंचता है, जैसे जैसे जिसने आयु दी है उसी के अनुसार उसको भोग भोगना पड़ता है। 1 से लेकर के 25 तक की आयु को जीव अपनी खुद की आयु को भोगता है। 25 से लेकर के 50 तक की आयु होती है वो गधे के द्वारा दी हुई आयु है, जिसमें गृहस्थी जीवन होता है। तो गधे की तरह दौड़ लगानी पड़ती है, पैसा भी कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। तीसरा है 25 से 50 की आयु हो गई, 50 से 75 की आयु कुत्ते के द्वारा दी हुई आयु होती है। जिस प्रकार कुत्ते को बाहर खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है ना, सोता है, ऐसे ही जब बुढ़ापे में 75 से 100 साल की आयु में अनेक प्रकार की बीमारियों से जीव ग्रस्त हो जाता है और लोग सोते हैं वो जागता है, क्योंकि उल्लू के द्वारा दी हुई आयु को भोगता है। इस प्रकार इस जीवन में सुख तो कहीं नहीं मिला, सारा जीवन निकल गया। परमात्मा से जो वादा करके आए कि भाई बाहर आके मैं तेरी भक्ति करूंगा, गर्भ में वादा किया था उसको भी भूल गए, अब तो जाने की तैयारी हो गई, कुछ नहीं कर पाए। प्रभु प्रेमियों, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। 84 लाख योनियों में 9 लाख समुद्री जीव होते हैं, 11 लाख कीड़े मकोड़े आदि होते हैं, 20 लाख पशु और 10 लाख पक्षी, ये 80 लाख हो गए, और 4 लाख मनुष्य योनियां होती हैं। मनुष्य योनियों में जैसे मनुष्य योनियों के प्रकार हैं, सबसे कम जो संख्या है वो 4 लाख मनुष्य योनियों की है। मनुष्य योनि लंगड़ा है, कोई जन्म से लंगड़ा है, कोई जन्म से बहरा है या गूंगा है, इस तरह से 4 लाख योनियां हैं मनुष्य की। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में और इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके प्रभु प्रेमियों, मनुष्य योनि हमें ऐसो आराम के लिए नहीं मिली है, इसका मूल उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ही ऐसा है, ऐसी है जिसे प्राप्त करके जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देवताओं की योनि में भी मोक्ष नहीं है, देवताओं की योनि भोग योनि है, उसमें भोग सकते हैं देवता, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य योनि ही एक 84 लाख योनियों में ऐसी योनि है जिसे प्राप्त करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जीवन मरण के चक्र से छूट सकता है। और कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना सबसे सरल बताया है, सतयुग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए घोर तप करना पड़ता था जीव को, तब कहीं मोक्ष मिलता था।
त्रेता में मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञ आदि कर्म करने पड़ते थे, तब कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और द्वापर में मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करना पड़ता था, तब कहीं मोक्ष मिलता था। लेकिन कलयुग में इनमें से कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरे उपारा। कलयुग में जीव उठते बैठते सोते जागते कैसे भी संभव हो सके अपनी जिब्या से, सबसे सरल है, क्योंकि जिब्या मनुष्य के अपने बस में होती है, ना कहीं जाना पड़ता है, अपनी जिब्या से अगर सुमरण कर ले तो उसी से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाती है। कहा है कि दो घड़ी भगवान काले नाम तो छोड़ कर दुनिया के सारे काम, तो दो घड़ी का नाम ही रंग लाएगा पाएगा दुनिया में फिर आराम। तो मनुष्य के पास, मैं ये नहीं कहता कि भाई देखो गृहस्थी जीवन है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि जीव 24 घंटे ही भक्ति कर लेगा या सुमरण कर लेगा। दो घड़ी का मतलब है, आप सबको पता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, जीव जब मां के गर्भ से आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, लेकिन जब इस संसार से विदा लेता है तो दोनों हाथ खाली जाते हैं, ये सभी ने देखा है। इन दामत वाली अहिंसा मिट्टी में मिल जाएगा, इन दामत वाली अहिंसा मिट्टी में मिल जाएगा, लाश जलेगी नंगी तेरी नेगी कफन उठाएगा, नदामत वाले अहिंसा मिट्टी में मिल जाएगा। भाई बंधु और कुटुम कबीला कोई काम नहीं आएगा, नदामत वाले अहिंसा मिट्टी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जाएगा। जीव जब इस संसार में जन्म लेता है तो दोनों मुट्ठियां बंधी हुई रहती हैं, लेकिन जाता है तो खाली हाथ जाता है, कुछ साथ में नहीं जाता। हम जिस धन के लिए सारे जीवन प्रयास करते हैं, जिस वैभव के लिए अनेक प्रकार के झूठ सांच बोलते हैं धन के लिए, वो धन चलते वक्त घर से ही साथ छोड़ देता है जब मनुष्य जाता है। तो भाई बंधु और परिवार वालों से इतना प्यार करते हैं, वो सब शमशान से लौटाते हैं, कोई भी साथ में नहीं जाता, केवल मनुष्य के साथ उसके कर्म और भगवान की भक्ति वो ही साथ में जाते हैं, बाकी सब यही रह जाता है। इसलिए सुंदर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जीव को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कहा है कि ना खाना पीना जीने नू, ना जीना पीना खाने नू, लक लालक नाल कमीने नू, जेड़ा खा पी करते मर जाता एक बार, जो हर संसार में ना जन्म लेना पड़ता है ना ही मरना पड़ता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बाकी हम और आप तो एक तुच्छ व्यक्ति हैं, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए लेकिन सब खाली गए। एक जरसिकंदर नाम का राजा हुआ, उस जरसिकंदर नाम के राजा ने अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी पर राज किया और सारे राजाओं का धन इकट्ठा करके अपने खजानों में जमा कर लिया। जब राजा को धीरे धीरे बुढ़ापा आया और बुढ़ापा आकर के फिर अंत समय आ गया, तो अंत समय में राजा जरसिकंदर को ज्ञान हुआ कि भाई मुझे तो यहां से चले जाना, इतने पाप कर्म करके धन इकट्ठा किया, कितना मेरा वैभव था लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो इंसान जब जाता है तो खाली हाथ जाता है, और इस मौत रूपी भेड़िया से कोई नहीं बच पाया है, सबको ये अपना ग्रास बनाता ही बनाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने काफी तरक्की कर ली है, अनेक प्रकार की दवाइयां बना दी, अनेक प्रकार के स्पेशलिस्ट हो गए,
लेकिन जब अंत समय आता है ना तो सब फेल हो जाता है। अंत समय में सब फेल हो जाता है तो प्रभु प्रेमियों इस मौत से बचने के लिए, काल से बचने के लिए एक व्यक्ति थे, उनके बारे में बताया है कि जर सिकंदर की कथा तो मैंने आपको सुनाई है। एक जर सिकंदर का यही सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज ना टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। एक लुकमान हकीम हुए, लुकमान हकीम ने अपनी जड़ी बूटियों के प्रभाव से अपनी जैसी शक्ल के हजारों तैयार कर दिए, जड़ी बूटियों के प्रभाव से अपनी जैसी शक्ल के हजारों व्यक्ति तैयार कर दिए, वो इसलिए कि भाई मौत से बचूं। मौत जब उसका अंत समय आने लगा तो यमराज ने आज्ञा दी अपने दूतों को कि भाई लुकमान को पकड़ कर लाओ, उसका समय आ मृतलोक में आते हैं और लुकमान को तलाश करते हैं। दूतों ने देखा भाई लुकमान की जैसी शक्ल के तो हजारों व्यक्ति हैं, किसको ले जाएं, हजारों में से किसी एक को पकड़ कर ले गए बन के यहाँ वापिस आते हैं, और वापिस आकर फिर किसी दूसरे को पकड़ कर ले जाते हैं, पता तो लग नहीं रहा कुछ, यहाँ तो भाई लुकमान की बारी है, लुकमान चाहिए। यम के दूत कहने लगे कि महाराज वहां पर पता नहीं लग रहा मृत्युलोक में, लुकमान की जैसी शक्ल के तो हजारों लुकमान है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा कि असली लुकमान कौन सा है। जब ये बात यमराज ने सुनी तो यमराज भी चक्कर में पड़ गई, बनके ऐसा है, बनके महाराज ऐसा ही है। यमराज कहने लगे कि ऐसा करना, इस बार जाओ आप और जाकर के आपने एक बात बोलनी है, जहां पर भी तुम्हारी बस में नहीं है, इस प्रकार बोलना है। यम के दूत वापस आ जाते हैं और लुकमान को तलाश करने के लिए, और लुकमान को देखते हैं तो जहां पर वो लुकमान की जैसी शक्ल के हजारों बैठे हुए थे, यम के दूत कहने लगे कि भाई लुकमान हम आपको मान गए, आपने सब कुछ बस में कर लिया है, लेकिन एक चीज आज भी तुम्हारे बस में नहीं है। जब इस प्रकार यम के दूतों ने कहा तो हजारों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वन की वो चीज कौन सी है जो बस में नहीं है, वन की इधर आ जाओ, ये चीज तो बस में नहीं है। तो देखो मौत से बचने के लिए लुकमान ने क्या कुछ नहीं किया, अपनी जैसी शक्ल के हजारों व्यक्ति तैयार कर दिए, लेकिन अंत समय आया तो संसार से विदा लेनी ही पड़ी। तो प्रभु प्रेमियों इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवान की भक्ति ही मनुष्य के काम आती है, बाकी ये संसार एक सपने के समान है। जिस प्रकार सपने में मनुष्य अनेक प्रकार के ख्वाब देखता है, राजा बन जाता है, सदा जप नाम ये जीवन है सपना, यहाँ कोई नहीं अपना, एक नाम सहारा है तुम उसको सदा जपना। इस झूठी दुनिया की सब झूठी कहानी है, इस झूठी दुनिया की दिल इसमें फंसाने से होती बड़ी हानि है, ये भूल के भी प्राणी इस जग में नहीं फंसना, ये जीवन है सपना ही अपना, एक नाम सहारा है तुम उसको सदा जपना, एक नाम सहारा है तुम उसको सदा जपना। ये मनुष्य जीवन एक सपने के समान है,
इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके एक भगवान नाम ही मनुष्य का सहारा है, जो मनुष्य को हमेशा साथ देता है। तो भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ कर बताई गई है। ये जीवन नश्वर है, जीवन क्या ये संसार ही नाशवान है, जिस जो भी हमें दिखता है वो सब नश्वर है, सबका अंत है। तो इस नाशवान संसार का एक पल का भी पता नहीं है, मनुष्य जीवन भी नाशवान है, एक पल का भी पता नहीं है। आपने जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी देखी होंगी कि किसी व्यक्ति से आप 5 मिनट पहले मिले हो और 5 मिनट के बाद में उसी व्यक्ति के बारे में सुनते हो कि भाई वो तो छोड़ करके संसार को चले गया। ऐसी आश्चर्यचकित घटनाएं न जाने जीवन में कितनी सुनाई पड़ती है, कितनी देखते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन का एक पल का भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। पल से पल में क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को गए थे। वन को जाते सबने देखा, धरा भेष फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का। आपने सभी को जैसा पता है कि भाई शाम को पूरी अयोध्या में शोर था कि सुबह भगवान जानी काशी में बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिचंद वैसे दानी, काशी में बिक गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, घड़ा धरा सिर नीचे, अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। राजा हरिचंद बहुत बड़े दानी हुए, ने रोजाना कितना सोना चांदी दान करते, लेकिन समय का प्रभाव उनको एक दिन खुद दूसरे के यहां झाड़ू पोछा करना पड़ा। तो समय का कोई एक पल का भी पता नहीं है। आज हमारे पास वैभव है, धन है, ऐश्वर्य है, सब है, लेकिन कल का पता नहीं है। ऐसे ही राजा मुराध्वज वैसे ज्ञानी, आरा खींचे राजा रानी। आरा चलते सबने देखा, निज सुत के शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, से अनमोल शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। जिनसे निकलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही ये संकट की घड़ी है, लेकिन एक भगवान नाम ऐसा सहारा है कि उसके सहारे से माँ बाप की सेवा करते हैं और मरने के बाद में उनकी आत्मा शांति के लिए हमारे शास्त्रों में जो भी औद्रव देह क्रियाएं, मरने के बाद की जो भी क्रियाएं, वो विधि विधान से अगर बेटा कराता है तो वो बेटा संततिवान होता है, लक्ष्मीवान होता है और धनवान होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रेमियों एक मूल मंत्र है, वो यही है कि जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो। अगर माता पिता का आशीर्वाद है तो देवता भी आशीर्वाद दे देंगे। अगर माता पिता संतुष्ट नहीं है और आप
देवताओं के आगे लंबे पड़ रहे हो तो देवता भी समझ लेंगे कि जब ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। तो इसलिए जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि माँ बाप की सेवा सबसे पहला। जीते जी माँ बाप की सेवा और उनके मरने के बाद में उनकी आत्मा शांति के लिए जो भी कार्य है वो विधि विधान से मनुष्य को कराने चाहिए। इससे कराने वाले को शांति होती है। जो जीव ऐसा नहीं करते हैं वो जीवन में अशांत रहते हैं और जो जीव अपनी विधि विधान से ऐसा कार्य करते हैं वो संततिवान होते हैं, लक्ष्मीवान होते हैं और धनवान होते हैं। देखो हमारी बहुत एक पौराणिक कथाएं हैं कि हम अपने बुजुर्गों की अस्थियों को गंगा जी में जल प्रवाह करते हैं, ये कब से करते आ रहे हैं। ब्रह्मलोक से सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए भागीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाए थे। तो मैं एक समय की बात बताऊं कि एक मुर्दे को लेकर के चार व्यक्ति शमशान के लिए जा रहे और पीछे काफी लोग उनके पीछे पीछे जा रहे और सभी कहते जा रहे थे कि भाई राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, सत्य बोले गत है। सभी ऐसा कहते हुए शमशान के लिए जा रहे, शंकर जी देख रहे। शंकर जी ने कहा भाई ये तो बहुत अच्छे आदमी है जो सभी कहते जा रहे हैं कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। शंकर जी ने कहा कि इनको देखना चाहिए कि ये कहां जाते हैं। शंकर जी भी उनके पीछे पीछे लग लिए और चलते चले गए। तो जाकर के उस मुर्दे को, उस शरीर को, मृत शरीर को वो सभी शमशान में ले जाते हैं और शमशान में जाकर के लकड़ियों की चिता तैयार करके उस मुर्दे को रख देते हैं। मुर्दे को रख करके अग्नि लगा देते हैं। पांच मिनट में अग्नि लग जाती है, पूरी तरह लग भी नहीं पाती है अग्नि, पूरी चिता में फैलती भी नहीं है। जो लोग पीछे कहते जा रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, वो पांच मिनट के भीतर सभी शमशान से वापस आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई मुझे मुझसे मिलना है, मेरा ब्यो काम अधूरा है, मैंने वहां जाना है, मुझको उसको देना है, उससे लेना है। शंकर जी सब बातों को सुन रहे बन के, भाई अभी तो ये सभी कह रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, और अभी क्या हुआ। थोड़ी देर में ये अपने कामों के बारे में बातें करने लगे, अपने अपने आने जाने के बारे में बातें करने लगे। शंकर जी ने सोचा कि ये आदमी महान था जो इन्होंने इस चिता में जला दिया, क्योंकि ये आदमी जब तक इनके साथ था तो ये सभी कहते आ रहे थे कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन इन्होंने ये मुर्दा चिता में जला दिया। ये मुर्दा महान था, कुछ समय के बाद में चिता ठंडी हो जाती है। शंकर जी चिता में लेट लगाते हैं। शंकर जी ने जैसे ही चिता में लेट लगाई तो उस मुर्दे की जो भस्मी थी वो भगवान के शरीर से लिपट गई, लेकिन मुर्दे की जो हड्डियां थी, अस्थियां थी, वो उसमें पड़ी रह गई। तो अस्थियों में से आवाज आई, उस मुर्दे की अस्थियों में से आवाज आई कि हे भगवान शंकर, आपने भस्मी का उद्धार तो कर दिया लेकिन हमारा क्या होगा। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा उद्धार गंगा जी में जाके होगा और ऐसा शास्त्रों का लेख है कि जिसकी अस्थियां 10 दिन के भीतर गंगा जी में जल प्रवाह हो जाती हैं तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम अपने
बुजुर्गों की अस्थियों को गंगा जी में जल प्रवाह करते हैं। हम और आप सभी स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप सिंह जी को अंतिम विदाई देने के लिए यहां इस पांडाल के भीतर इकट्ठे हुए हैं। सोचने की बात है कि भाई जो इस संसार को छोड़कर चले गया उसको क्या दे सकते हैं हम, लेकिन प्रभु प्रेम एक परमात्मा का सुमरण है जो जीव को मरने के बाद भी प्राप्त होता है। तो हम और आप सभी आए हुए हैं, सभी अपने मुख से भगवान नाम उच्चारण करेंगे और परमपिता परमेश्वर को विनती करेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को जो दुख हुआ है उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। सभी अपने मुख से भगवान नाम उच्चारण करें। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। इस पांडाल के भीतर जो भी भगवान नाम उच्चारण हुआ है उस नाम का फल स्वर्गीय श्रीमान कुलदीप सिंह जी के खाते में जमा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जाने के बाद जो उनके परिवार को दुखों का पहाड़ टूटा है उस दुख को सहन करने की भगवान शक्ति दे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और परिवार वालों की तरफ से सभी से अनुरोध है कि भोजन तैयार है, सभी भोजन ग्रहण करके ही जाएं। ओम विश्वानी देव सवि दुरिता है। इस मंत्र के द्वारा हम परम पिता परमात्मा से सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जितने मेरे अंदर अवगुण है उनको दूर करना और जितने अच्छे गुण है हे परम पिता परमात्मा वो मेरे अंदर पैदा करना। जिंदगी का सही मायनों में मतलब तो यही होता है कि जितनी भी कोई बुरी चीजें हमारे अंदर हैं, वो दूर हो जाए। हमारी सृष्टि का जो रचना की है उस परम पिता परमात्मा ने, उसने एक ही बात मद्देनजर रखी है। उसने कहा कि ये जो लोग हैं, जो मैंने मानव को यहाँ पे भेजा है, मानव जो है वो मेरा एक अंश है और अगर मानव उस परमात्मा का एक अंश है तो उसका काम क्या है? जैसे परमात्मा का काम क्या है कि दुखों को दूर करना, और मानव का भी काम यही है कि किसी से भी आप मिलते जुलते हो तो दूसरे के दुखों को दूर करना। तो ऐसे ही कुलदीप जी ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी में आकर के अपने यहाँ परिवार का पालन पोषण किया
और उसके साथ साथ अपनी पूरी परिवार के प्रति जो जिम्मेवारी थी उसको निभाया और उसके साथ साथ इनकी प्रेस में जो वर्कर थे उन वर्कर के दुखों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना और उनकी समस्याओं को दूर किया। तो जिंदगी में अगर देखा जाए तो मकसद ही यही होता है कि हम किसी के कितना काम आते हैं, और जो लोग जिंदगी में सच मायने में किसी के काम आ जाते हैं और सेवा भाव से निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, ऐसे लोग जो है वो जिंदगी में अपना सफर जो है वो पूरा कर जाते हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर उनको, कुलदीप जी को, हमारी कॉलोनी के बड़े वरिष्ठ नागरिक थे और जिस तरीकों से उन्होंने हर एक के साथ मिलना जुलना और हर किसी के दुख सुख में काम आना, ये उनका एक दिनचर्या रहता था और अपने काम के प्रति लगन, अपने परिवार के प्रति लगन, तो ऐसी पवित्र आत्मा को मैं अपने श्रद्धा सुमन जो है वो पेश करता हूँ और उसके साथ साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और उनको अपने चरणों में लगाए और परिवार को इस दुख सहने की शक्ति जो है वो प्रदान करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोग जो कि इस मौके के ऊपर आए हो उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ। हमारे बीच बहुत प्रोमिनेंट लोग जो हैं इलाके के यहाँ पे आए हुए हैं, विजेंद्र बेरी जी जो कि हमारे आने वाले चंद दिनों तक जो है एमएलए बन के आ रहे हैं, शीतल विज जी आए हैं और जो कि हमेशा धर्म कर्म के काम में और हमेशा अच्छे कामों में लगे रहते हैं, और मैंने देखा है कि इन्होंने अच्छे संस्कार अपने बेटे के अंदर भी दिए हैं। वो कहते हैं कि धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, ऐसे ही कुलदीप जी ने भी अपने परिवार को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और भी बड़े प्रोमिनेंट राणा जी हैं और सुरेंद्र पप्पा जी हैं, अरोड़ा साहब हैं, बहुत वरिष्ठ नागरिक जो है अनूप जी हैं और वरिष्ठ नागरिक जो कि इस मौके के ऊपर आए हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद भी करता हूं। और इसके साथ ही मैं शीतल विज जी से तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और सभी लोग जो हैं वो प्रसाद के रूप में यहाँ पे कुछ ना कुछ लेकर के जाएं, खाना खा करके जाएं। और ये जो प्रार्थना सभा होती है, ये जो हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं, इसका एक ही मकसद होता है कि हम सब मिल करके उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में सब लोग शामिल। ओम अज्ञान तिम्रांजसि ज्ञान जन्म सलाकया चक्षुर्विद्यमानं श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गणनांत्वा गणपतिभुङ्गवामहे, प्रियनांत्वा प्रतिपतिभुङ्गवामहे, गणचन्द्वा निपतिभुङ्गवामहे, वसु मम्माहं जानगर्भधमात्मा जासि गर्भदम्। ओं नमो गणेभ्यो गणपतभ्यो नमो नमः भ्रातृभ्यो भ्रातृपतभ्यो नमो नमः ग्रतसेभ्यो ग्रतपतमो नमः। ओम एन बद्धो वली राजा दान मेन्द्र महाबला तेन तो अपद्रमी माचल माचल मंगल।
స్నానం సమర్పామి శ్రీ నమః గణాధిపతి నమః వస్త్రం వస్త్రం మంగళ సూత్రం సమర్పామి వస్త్రం వస్త్రం మంగళ సూత్రం సమర్పామి తిలకం స్వర్పం బంధించి సమర్పామి అక్స్థాన పుష్పాన సమర్పామి నమస్కారం ఆది ఓం నమామి విఘ్నేశ్వరం పాద పంకజం వక్రతుండ మహాకాయ కోట సూర్య సంప్రదాయ నిర్విఘ్నం కొన్నదే సర్వకార్యేషు సర్వదా శ్రీ నమః గణాధిపతి हाथ लगवा दो आगे आगे सभी से हाथ लगवा दो अभी बताओ।